Dear student, today I am going to give you a lecture on soft skill. So let us see what is soft skill. Soft skill is necessary for successful career. जैसे कि आप लोग अभी चाहे बीए के बच्चे हो चाहे बीकॉम के बच्चे हो, आजकल के दौर में आप लोग की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके करियर बनाने के लिए. तो बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है आपके करियर के लिए. सॉफ्ट स्किल विथ स्पेशल फोकस ऑन ITES. अब ITES का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल स्किल. तो सॉफ्ट स्किल इज द एबिलिटी रिक्वायर्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम पर्सन फॉर फाइंडिंग अ सुटेबल जॉब, इट्स मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन. जैसे कि जॉब आप लोग सब करेंगे, तो जॉब के लिए क्या आप लोग को लगता है कि यू आर फिट फॉर एनी जॉब? अभी आप लोग क्या फिट है इंटरव्यू देने के लिए? तो ये सारी चीजें हैं कि जो आपको जरूरी है जॉब के लिए. Importance of soft skill. Soft skills are very important to handle interpersonal relationship. Interpersonal relationship होता है मतलब दो लोगों के बीच का relationship. अभी आप लोग का relationship है आपके family members से और आपके friends से. हाँ, बाद में तो आपके family members से आपका कभी कभी मतभेद हो जाती है या कभी कभी कुछ communication की दिक्कत आती है. तो वो सारी चीजों को कैसे दूर किया जाए है वो सारी चीजें हम लोग को आनी चाहिए. अभी आप लोग स्कूल कॉलेजेस में फ्रेंडशिप होगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे आपकी दोस्ती होगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे आपकी दोस्ती नहीं भी होगी, तो आप नहीं बात कर सकते उनसे. लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सबसे बात करना है, whether you like that person or not like. तो किस तरह से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना है ये सब इसमें आता है. टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन. क्या आप लोग को लगता है आप हमेशा डिसीजन सही बनाते हैं? तो उसके लिए जरूरत टू कम्युनिकेट एफेक्टिवली. किस तरह से आपको कम्युनिकेट किया जाए? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में भी टीचर पूछती है नहीं बता पाते. तो आप लोग को अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एनहेंस करना है. टू हैव गुड इंप्रेशन एंड इंपैक्ट टू गेन प्रोफेशनल डेवलपमेंट. आपको अपनी पर्सनैलिटी इतनी इंप्रेसिव बनानी है कि ताकि आप कहीं भी जॉब के लिए जाए तो आपको तुरंत ले लिया जाए. कम्युनिकेशन स्किल एज सॉफ्ट स्किल. कम्युनिकेशन स्किल फॉर्म द कॉर्नर स्टोन ऑफ सॉफ्ट स्किल. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू एसेंशियली एंड एफेक्टिवली कम्युनिकेट विद अदर. एफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द हॉलमार्क ऑफ वन्स एजुकेशन. देखिए आप लोग ने बहुत अच्छा परसेंटेज गेन कर लिया, 80%. हाँ, लेकिन आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा और आपको आता है लेकिन आप बात नहीं कर, आप उनको आंसर नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि यू हैव अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. तो इसको हमें दूर करना है. yes, ma'am. तो ये सब चीजें इसमें आती हैं. आप अगर कहीं भी रहती हैं, देखिए अगर आप लोगों से बातचीत करती हैं, हाँ वो बातचीत भी अच्छी तरह से बातचीत, तभी आपको पसंद किया जाता है ना. अ पर्सन विद गुड कम्युनिकेशन स्किल इज लाइक बाय ऑल. आप लोग ने देखा होगा आपके आसपास आपके फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड्स या आप कहीं भी रहते होंगे, जो इंसान की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी उसको बहुत पसंद किया जाता है. हाँ, आपके लोग में भी जो बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है उनको पसंद, मतलब किस तरह से कैसे किससे बात करना है, खुद से आगे बढ़ के बात करना है. और खोल दो बस. आप एजुकेशन अगर गेन कर रहे हैं तो आपको जवाब देना भी आना चाहिए, आपको ठीक तरह से बात करना भी, कब क्या बोलना है कहाँ बोलना है ये भी आना चाहिए. द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली यूजिंग द राइट वर्ड इन द राइट ऑर्डर इज अ गुड कम्युनिकेशन मैसेज. यूजिंग एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी इन टेक्स्ट फॉर्म एफेक्टिव कम्युनिकेशन. देखिए हम हिंदी हो या इंग्लिश आपको अच्छी तरह आनी चाहिए. yes, और देखिए आजकल के ग्लोबल कंपटीशन में भी हमें इंग्लिश आनी चाहिए. अगर हमको इंग्लिश नहीं आएंगी तो हम पिछड़ जाएंगे. देखिए चाइनीज ने थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस कर ली है कि चाइनीज अपनी लैंग्वेज को उससे ज़्यादा किसी दूसरी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं देते. दे डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू इंग्लिश, लेकिन हम देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे राज्य हैं. अगर हम इम्पोर्टेंस इंग्लिश को ना दिए होते तो सुंदर पिचाई आज गूगल के CEO ना होते, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स स्पेस में ना गई होती और बहुत सारे
नासा में काम कर रहे हैं या अमेरिका में डॉक्टर बन रहे हैं वो ना होते। क्या कोई चाइनीज है इंटरनेशनल फ्रंट पे? कोई चाइनीज है? नो मैम। गूगल का सीईओ या कोई भी, लेकिन इंडियंस है। आपको पता है कौन है गूगल का सीईओ? सुंदर पिचाई। आपको पता है इंडियन ओरिजिन का, बिकॉज उनको इंग्लिश आती थी। तो हमको एकदम इंग्लिश को नजरअंदाज नहीं करना है। हम अपनी मातृभाषा ना भूलें, लेकिन हमको इंग्लिश आनी चाहिए और हमको सही मैसेज सही टाइम पर बोलना है। हम गलत बात ना बोलें। हम अगर किसी को नापसंद करती हैं तो हमेशा हमको बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, और सामने भी किसी को बोल रही हैं तो हम गलत बातों का प्रयोग ना करें। गलत बात जो इंसान करता है वो अपने आप को एक वीक पर्सन, एक हल्का पर्सन बना देता है। फिर ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करते। किसी को आप नहीं पसंद करते मुंह पे बोल दीजिए, या आप कोशिश करिए उसकी कमी दूर कर दी, लेकिन जबरदस्ती पीछे गलत बात को बोलना, ये सारी चीज़ें गलत हैं। बॉडी लैंग्वेज, देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब वर्बल होता है शब्द, वर्ड। जब हम बिना शब्दों के प्रयोग किए हुए बात करते, क्या हम लोग बिना शब्दों के प्रयोग किए हुए बात करते हैं? जरा नो करिए बिना बोले। हाँ, जब हम लोग कहीं घर से वापस जाती हैं तो सबको बाय करते हैं ना बिना बोले। ये अगर हमने कह दिया इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स हम जा रहे हैं, सिम्बॉलिक है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। कोई आपसे कह रहे हैं क्या हुआ, आप ऐसे कर दीजिए, यानी कि वो नहीं पता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम अपनी बॉडी से कम्युनिकेट करते हैं, आँखों से, चेहरे से, हाथ से, पैर से। जैसे मेरे बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, उनको पता है कि किस कब वो हम हैप्पी मूड में हैं, कब गुस्से में हैं, तो वो आराम से उस हिसाब से मेरे साथ बिहेव करती है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग बहुत सारी कम्युनिकेशन बिना बात किए हुए चेहरे के हाव भाव से, हाथों से, पैरों से कम्युनिकेट करते हैं। चेहरे से पता चल जाता है ना कि कौन गुस्से में है। अगर कोई टीचर आप अंदर क्लास में आए तो आप लोग को पता चल जाता होगा ना टीचर गुस्से में है कि नहीं है। आप उस हिसाब से बिहेव करते हैं, चाहे वो टीचर कहे ना कहे। तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ, ये सब एक्सप्लेन कर दिया। अब रिटन कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग का कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको रिटन कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे प्रैक्टिस से आगे आ जाते हैं। लेकिन एक बात ये है कि जो देयर इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग। जब हम अपने फैमिली मेंबर को, अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं तो उसमें हम किसी भी तरह से लिखें, वो उसमें फीलिंग्स हमारी एक्सप्रेस होती है। बट व्हेन वी राइट ऑफिशियल लेटर, उसका लिखने का एक तरीका होता है, वो हम उसके लिए हमको सीखना पड़ता है। तो जब आप ऑफिशियल लेटर लिखें तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का हमको ध्यान में रखना होता है। हमें Error committed by writing circular report agenda considerably spoil the image of the writer. अगर हम कोई चीज़ गलत लिखेंगे तो हमारी पूरी राइटिंग खराब हो जाएगी। और अगर जैसे कॉमर्स के बच्चे बहुत कलर या बैलेंस डिज़ाइन यूज़ करते हैं तो उसको भी वी हैव टू लर्न। और बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें एक्सक्लूड करना है। जैसे कि जब हम ऑफिशियल लेटर लिखें तो हम बहुत बड़ा बड़ा नहीं। प्रेजेंटेशन स्किल, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको उसको प्रेजेंट करने की भी टेक्निक आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल इंक्लूड प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ द मैसेज। जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए कोई चीज़ बनाएंगे, पहले प्लान करिए, फिर प्रिपेयर करिए, फिर उसको डिलीवरी करिए। और फॉर्मल बनाइए, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें नहीं लिखी जाती। और चाहे आप ओरल करिए चाहे इलेक्ट्रॉनिक करिए, लेकिन कम शब्दों में ज्यादा करिए, कंसाइज एंड प्रिसाइज। सक्सेस इन लाइफ डिपेंड ऑन प्रेजेंटिंग आइडिया इन एप्रोप्रिएट मैनर। आपके पास आइडिया बहुत है लेकिन आप उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो कोई फायदा नहीं है।
और जब आप प्रेजेंटेशन दें तो आप झुककर हमेशा प्रेजेंटेशन ना दें, आपका आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए ऑडियंस से, आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, मतलब वॉइस इन अ सेंस आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और कहीं कहीं पे वॉइस मॉड्यूलेशन करना पड़ता है आपको। अब आप कुछ जोश वाली चीजें बोलनी तो आप जोर से बोलिए, कुछ सैडनेस बोलना है तो आप धीरे से बोलिए, और फिर आपको फीडबैक भी लेना जरूरी है। इन प्रेजेंटेशन स्पेशली स्टॉप ओकेशनली टू आस्क, हाँ बीच बीच में आप ऑडियंस से क्वेश्चन भी बोल पूछते रहिए। टीम वर्क बहुत जरूरी है सॉफ्ट स्किल के लिए, किसी भी आप जेंडर के हो, एज ग्रुप के हो, क्वालिफिकेशन के हो, स्टेटस के हो, स्किल वर्क के हो, आपको एक टीम में काम करना है। एक टीम में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की की नीड जो होती है वो टीम वर्क से होती है। इट मेनली रिफर्स टू द एग्रीबलनेस एंड कोऑपरेशन अमंग द टीम मेंबर, सबके से डिस्कस करके एक राय एक मत पे होना ही टीम वर्क है। प्रोफेशनल एथिक्स, जब हम घर पे रहते हैं तो हम किसी भी तरह से बिहेव करें, लेकिन हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो उनको एक मैनर से एक तौर तरीके से बिहेव करना होता है। प्रोफेशनल एथिक्स इज द नीड ऑफ द आवर इन इंडिया, व्हेन अ पर्सन इज एट वर्क स्पॉट ही मस्ट थिंक ऑफ हिज, जब आप वर्क पे हैं, व्हेन यू आर इन ऑफिस स्कूल एंड कॉलेजेस, उस वक्त स्कूल कॉलेज के बारे में सोचिए, घर के बारे में मत ध्यान दीजिए उतना। He must put his heart and soul, पूरी तरह से आपको काम पर लगना चाहिए। हर एम्प्लॉई एक हिस्सा होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हर एम्प्लॉई से चलता है, और वो तभी होता है जब वो 100% अपना देता है। इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल मींस दो लोगों के बीच के का रिलेशन, इंटर का मतलब ही होता है ना दो लोगों के बीच का, इंटरमीडिएट बिटवीन हाई स्कूल एंड ग्रेजुएशन। Man is a social animal and his success in life largely depend on his relation and interaction with others. जिस तरह से आप interact करते हैं लोगों से, मिलते हैं, बात करते हैं, उस पर भी आपका success depend होता है। खास तौर से आजकल के private sector का तो दौर चल गया है, इसमें interpersonal skill की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको लोगों को convince करना है अगर आप private companies में काम कर रहे हैं। और हमें सिर्फ अपना ही व्यूज लोगों पर थोपना नहीं है, दूसरे लोगों का व्यूज भी की भी रिस्पेक्ट करना है। अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंस इन ओपिनियंस हो, तो उसको बहुत पोलाइटली अच्छी तरह से हमको डील करना है। टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे आजकल का शेड्यूल सबका बहुत टफ हो गया, तो स्ट्रेस की भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो प्राइवेटाइज द वर्क एंड शेड्यूल योर टाइम। अपने काम को अगर आप ठीक तरह से प्लान करें, इतनी टाइम पर हमें कॉलेज जाना है, इतनी बजे वापस आना है, इतनी बजे पढ़ाई करना है, तो आप मैनेज कर सकेंगे अपना काम। लेकिन अगर आप ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। और जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए और पहले करिए। कभी कभी अगर दिक्कत हो रही है तो आप क्लासिकल म्यूजिक सुन सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिससे आपका फिजिकल इमोशनल मेंटल स्ट्रेस दूर हो जाएगा। लीडरशिप कम्युनिकेशन स्किल, लीडर एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर। कोई लीडर है, कोई आपका बॉस है, तो उसको भी कुछ चीज़ें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर आप हमेशा मुस्कुराते रहें तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अगला इंसान आपको बहुत अच्छा समझ मानेगा, आप कुछ भी बोलेंगे वो अच्छी तरह आपकी बात सुनेगा। और शेयरिंग इज केयरिंग, अगर आप शेयर करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ऑलवेज लर्न न्यू थिंग, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ एंड योर एक्शन। अक्सर बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं। लुक एट प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस, प्रॉब्लम और चैलेंजेस को भी हमें लेना है, भागना नहीं है। सब बी ग्रेटफुल ऑलवेज, कोई आपको हेल्प करे तो आप उसको थैंक यू बोलिए। लव योर सेल्फ, जब आप हम अपने आप को लव करती हैं तभी हम दूसरे को लव करते, यानी कि हमें अपने आप को भी टाइम देना है, हमें रेस्ट करना है। ठीक है, थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया।